गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर जिस व्यक्ति मुर्तजा की ओर से हमला किया गया था, एनआईए की कोर्ट ने अब फांसी की सजा का ऐलान किया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकवादी माना गया था। एनआईए कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा सुना दी है। आपको बताते चले, अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया था मुर्तजा पर। आज एनआईए की कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला दिखाया गया है। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था, आतंकवादी माना गया था। आपको बताते चले, मुर्तजा को लखनऊ में एनआईए और एटीएस की अदालत में लेकर जाया गया, जिसने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। 10 महीने के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया है आज एनआईए की कोर्ट ने। संतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आरोपी मुर्तजा को आतंकी माना गया था और आज फांसी की सजा सुनाई है एनआईए की कोर्ट ने, विस्तार से दे इस बारे में और ज्यादा जानकारी हमें। देखिए बिल्कुल, ये 4 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था अहमद मुर्तजा ने, और उसके बाद से इस पूरे मामले पर जो यूपी एटीएस जांच कर रही थी, और उसके बाद आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट में जो जज हैं विवेकानंद शरण त्रिपाठी, उनने इस पूरे मामले में अहमद मुर्तजा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जिस धारा में फांसी की सजा सुनाई है वो आईपीसी की 121 यानी कि देश के खिलाफ जंग के ऐलान की धारा में फांसी की सजा सुनाई है। और इसके बाद से अगर कहा जाए कि अपने आप एक नजीर पेश करने वाला ये सजा सुनाई गई है कि फांसी सुनाई गई अहमद मुर्तजा। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अहमद मुर्तजा एमटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियर से, हाईली क्वालिफाइड। इसके पिता एडवोकेट, इसके जो चाचा हैं वो गोरखपुर के एक बड़े फिजिशियन हैं। लेकिन इसके बाद इसने 4 अप्रैल 2022 को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, एक पीएसी का जवान और एक दूसरे उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पर चापर से हमला किया था, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, उनके राइफल छीनने की कोशिश थी कि वो राइफल छीन करके अंधाधुंध फायरिंग करे। और ये बात यूपी एटीएस ने अपनी जांच के दौरान साबित की कि अहमद मुर्तजा के द्वारा जो साहित्य था, जो उसके द्वारा जो वेबसाइट सर्च की जा रही थी, जो तैयारियां थी, वो अपने घर पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था, एयरगन को बकायदा वो नेपाल गया था, प्लान करके वो आया था, और उसने जिस तरह से हथियार लहराते हुए हमला किया था, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से उसने जख्मी कर दिया था, उसको पहले आतंकवादी माना गया था, और अब एनआईए कोर्ट की ओर से मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में जिसने एक वक्त में ऐसी स्थिति 10 महीने पहले पैदा कर दी थी, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे।